जम्मू कश्मीर के पूंछ इलाके में घुसपैठ की संभावना बढ़ गई है। एलओसी के पास जंगलों में लगी आग की वजह से कई लैंडमाइन में विस्फोट हुआ है और इससे पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है। आशंका है कि आतंकी इस धुएं का फायदा उठाकर बॉर्डर पार कर सकते हैं। जिन लैंडमाइंस में धमाका हुआ है उसे आतंकियों के घुसपैठ को रोकने के लिए ही लगाया गया था। अधिकारियों के अनुसार 6 से 7 लैंडमाइंस में विस्फोट हुआ है। वन अधिकारी ने बताया कि बुधवार को आग बुझ गई थी, लेकिन अचानक धर्मशाल ब्लॉक में आग लग गई और तेज हवाओं से आग फैल गई। पहले ये आग सीमा पार यानी पाकिस्तान के इलाके में लगी, फिर तेज हवा चलने की वजह से ये आग भारत तक पहुंच गई। अधिकारियों का कहना है कि आगजनी में कोई मानवीय नुकसान नहीं हुआ है और फिलहाल आग बुझा ली गई है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान इस तरह की आगजनी को अपना हथियार भी बना सकता है और हो सकता है कि आए दिन हवा और आगजनी का हवाला देकर आतंक की सप्लाई शुरू कर दी जाए। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान जानबूझकर आगजनी करे और बॉर्डर के पास घुसपैठ रोकने वाले लैंडमाइंस और सीसीटीवी को नुकसान पहुंचाए। ऐसे में भारतीय सेना को पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा।